बहराइच हिंसा मामले में बड़ा एक्शन, महसी के सीईओ रुपेंद्र गौड़ को हटाया गया। शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में मौत की पुष्टि। बहराइच में बवाल के बाद अलर्ट पर प्रशासन, चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बर्बादी के बाद की तस्वीरें भी आई सामने। बहराइच में हिंसा के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां बहराइच में मौजूद, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी, तरह प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल को तैनात किया गया, युवक की मौत के बाद हालात बिगड़ गए थे। यूपी के बहराइच में हिंसा मामले में गिरफ्तार 26 आरोपियों का कराया गया मेडिकल, युवक की मौत के बाद से ही दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हो रहा था प्रदर्शन। बहराइच में उपद्रवियों पर सीएम योगी की सख्ती, 52 उपद्रवी भेजे गए जेल, 2 पर एफआईआर दर्ज हुई है, वीडियो और फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सपा और कांग्रेस पर हमला, कहा सनातनियों से राहुल और अखिलेश को दिक्कत, अखिलेश के पिता ने कार सेवकों पर भी चलवाई थी गोलियां। कि अखिलेश यादव के पिताजी ने भी कार सेवकों की हत्या की थी और ये भी उसी नजर से देखते हैं और ये कहते हैं क्यों गए उस रूट में, क्यों नहीं पुलिस थी। इंडिगो की फ्लाइट को लेकर खबर सामने आई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई, फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई, रात करीब 12:30 बजे लैंडिंग हुई, मामले की जांच कर रहे हैं बड़े अधिकारी। बम की धमकी के बाद सभी यात्रियों को उतारा गया सुरक्षित, इंडिगो प्रवक्ता का बयान, कहा सभी अधिकारी कर रहे मामले की जांच। विमानों को धमकी पर भारत सरकार अलर्ट, उड्डयन मंत्रालय ने की हाई लेवल मीटिंग, सीआईएसएफ सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए, 24 घंटे में 10 से ज्यादा विमानों को धमकी दी गई थी। पिछले 48 घंटे में 7 विमानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, फर्जी ईमेल के जरिए एयरलाइंस कंपनियों को भेजी गई धमकी, धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, किसी विमान को अयोध्या तो किसी को कनाडा करना पड़ा डाइवर्ट। गीजा के पिरामिड के टॉप पर नजर आया कुत्ता, पैराग्लाइडिंग करते वक्त एक शख्स ने रिकॉर्ड किया ये वीडियो। रोमानिया में अचानक से धसी सड़क, कई गाड़ियां गड्ढे में गिरी, भयावह तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिसकर्मी के दरिया दिली का वीडियो भी सामने आया, डीएम ऑफिस पर शिकायत लेकर पहुंचे बुजुर्ग को लेकर पुलिस के जवान गोदी में उठाकर लेकर गए। सूरत में ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त गिर पड़ा शख्स, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक कांस्टेबल को टक्कर मार दी, फिर 50 मीटर तक घसीटा, तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में युवती का हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमी से झगड़े के बाद फ्लाईओवर पर चढ़ी युवती, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सीएम पद की शपथ लेने से पहले उमर अब्दुल्ला ने स्किक में अर्पित की श्रद्धांजलि, तस्वीरें भी आई सामने। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, शपथ ग्रहण समारोह स्थल के आसपास कड़ी सुरक्षा की गई है। उमर अब्दुल्ला समेत 9 मंत्री लेंगे शपथ, सुबह करीब 11:30 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह, कांग्रेस के एक विधायक को भी मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। नई सरकार के शपथ से पहले बोले फारूक अब्दुल्ला, 10 साल बाद यहां लोगों की हुकूमत होगी, मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द राज्य का दर्जा बहाल करेगी, केंद्र सरकार जल्द से जल्द स्टेटहुड देगी। देखिए खुशी का मौका है कि 10 साल के बाद यहां पे लोगों की हुकूमत होगी, लोगों की भी बहुत सी, उनकी भी उम्मीदें बहुत हैं। प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी के प्रमुख जगमीत सिंह ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, साथ ही सभी भारतीय राजनयिकों पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए किया आग्रह। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में आज होगी बड़ी बैठक, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नामों की चर्चा होगी। हरियाणा में आज बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक, पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह, सीएम मोहन यादव रहेंगे मौजूद, बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता।
झारखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत झारखंड चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी ने झारखंड चुनाव में जीत का मंत्र दिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में डाले जाएंगे वोट। 23 नवंबर को आ जाएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को होगा मतदान। पहले फेज में 43 सीटों पर तो दूसरे फेज में 38 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। लोकसभा उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान। वायनाड और यूपी की 9 सीटों पर टोटल 13 नवंबर को मतदान होगा। और आपको बता दें, मिल्कीपुर सीट पर नहीं होगा चुनाव। वीएसपी ने यूपी की सभी 9 सीटों पर लड़ने का किया है ऐलान। झारखंड में दो चरणों में चुनाव को लेकर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, झारखंड ने नक्सल से मुक्ति पा ली है इसलिए दो चरणों में चुनाव है। झारखंड में अभी तक 4 या 5 फेज में इलेक्शन होते थे, अब 2 फेज में इलेक्शन हो रहा है, जिसका मतलब कि झारखंड ने नक्सलवाद से मुक्ति पा ली है। इसके लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी धन्यवाद के पात्र हैं कि नक्सलिज्म खत्म हो गया, अब 2 फेज में होगा। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसी कमर। अरविंद केजरीवाल आज जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी में आज भी तकरार। विपक्षी सांसदों ने बैठक का किया बहिष्कार। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। आज से असम के 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। शिलोंग में मेघालय कौशल और नवाचार केंद्र की आधारशिला रखेंगे। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिकी के विदेश मंत्रालय का बयान। मैथ्यू मिलर ने कहा कनाडा के आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत। भारत सरकार कनाडा और उसकी जांच में सहयोग करे। भारत अमेरिका के बीच 32,000 करोड़ की डिफेंस डील सील हुई। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत और देश में ही होगी मेंटेनेंस फैसिलिटी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में जांच तेज। 15 से ज्यादा लोगों के दर्ज किए गए बयान। कई चश्मदीदों से भी हुई पूछताछ। सिद्दीक हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच का एक्शन तेज। महराज से आरोपी धर्मराज के रिश्तेदार हिरासत में। पुणे से भी एक शख्स को पकड़ा। सिद्दीक हत्याकांड में मुंबई पुलिस कर रही जांच। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चली तबादला एक्सप्रेस। एक साथ 88 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हुआ। महाराजगंज कोतवाली प्रभारी को खीरो थाने की कमान मिली। उत्तर प्रदेश के महोबा में पेट्रोल पंप कर्मी ने बीजेपी विधायक से लगाई शादी कराने की गुहार। वोट देने के बदले की शादी कराने की मांग। वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। जम्मू के राजौरी में 15 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुआ सड़क का निर्माण। तमिलनाडु में भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई जगहों पर बनी जलजमाव की समस्या। राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। महाराष्ट्र के मुंबई नासिक हाईवे पर लगा भीषण ट्रैफिक जाम। राहगीरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। कारगिल में भारतीय सेना ने बदला काक्सर पुल का नाम। कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया पुल का नया नाम। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। 6 दिन बाद विधायक की एफआईआर लिखी गई। बुलंदशहर में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। मकान से 10 लाख रुपए की अवैध पटाखे बरामद। अवैध शराब को खेप भी पकड़ी गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामई पर मुकदमा दर्ज हुआ। अमीक जामई समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जमीन दिलाने के नाम पर 26 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। दिवाली की तारीख को लेकर काशी के धर्माचार्य ने किया ऐलान। कहा 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दिवाली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पति ने की महिला की बेरहमी से पिटाई। सूचना पर पहुंची पुलिस कर्मियों के साथ भी हाथापाई हुई। वीडियो वायरल हुआ। पीड़िता की तहरीर पर पति समेत 3 पर एफआईआर दर्ज हुई। और यूपी कानपुर में जुलूस के दौरान 2 गुटों में मारपीट हो गई। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट हुई। वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंग ने घर में घुसकर महिला से मारपीट की। मुकदमे में समझौता नहीं करने पर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के जौनपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लात घुसे। लड़की से छेड़छाड़ को लेकर विवाद हुआ। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद के एक रेस्टोरेंट में ग्राहकों से मारपीट। पानी की बोतल को लेकर विवाद बढ़ा। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम।
किस में कितना है दम। उन्होंने राष्ट्र को भी कह दिया कि तुम जाओ। राष्ट्र प्रथम न होने का भी कोई विकल्प है? सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।